देश की सबसे मशहूर और पारंपरिक मिठाई गुजिया होली के मौके पर खास तौर से बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुजिया को क्यों बनाया जाता है? आखिर क्यों ऐसा माना जाता है कि होली का त्यौहार गुजिया के बिना अधूरा होता है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वैसे तो होली का त्यौहार रंगों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पर्व गुजिया के बिना अधूरा होता है। होली का नाम आते ही दिमाग में रंगों के बाद सबसे पहला ख्याल गुजिया का ही आता है। होली के पर्व पर इसे बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होली पर ही क्यों बनाई जाती है और ये भारत में कितने सालों पहले बनाई गई थी? होली पर गुजिया बनाने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि तुर्की में हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक ये अरब देश से भारत आया है। लेकिन ये होली के मौके पर ही क्यों बनाई जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले गुजिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बनी थी। इसी राज्य में मैदे की परत में खोया भरकर पहली बार गुजिया बनाई गई थी, जिसके बाद से ही ये दूसरे राज्यों में फैला और आज पूरे देश में लोकप्रिय मिठाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि होली पर गुजिया बनाने की परंपरा कहाँ से और क्यों शुरू हुई, तो चलिए जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होली पर गुजिया बनाने की परंपरा वृंदावन के राधा रमन मंदिर से शुरू हुई थी, जो साल 1542 में बना था और ये इस शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। गुजिया और चंद्रकला आज भी यहाँ के पकवान का हिस्सा है, जिससे ये पता चलता है कि ये कम से कम 500 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि होली पर ही आखिर क्यों बनाई जाती है गुजिया। रंगों के त्योहार पर बड़े ही चाव से खाई जाने वाली गुजिया आखिर सिर्फ होली पर ही क्यों बनाई जाती है? कहा जाता है कि ब्रज में होली के त्योहार में कृष्ण भगवान को इसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक फागुन की पूर्णिमा तिथि को बुंदेलखंड के लोगों ने अपने प्रिय भगवान कृष्ण को आटे की लोई को चाशनी में डुबोकर उसको भोग लगाया था, जिसके बाद से ही होली के दिन गुजिया बनाने की परंपरा शुरू हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।